मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टीम। विधायक जितेंद्र आव्हाड ने आज मुंबई में डीआरएम और रेलवे के अधिकारियों के साथ में मीटिंग ली है। इस मीटिंग के दौरान एनसीपी के बबलू शेमना, शिवा जगताप, शकील अंसारी, समीर खान, राशिद कादरी, फिरोज अंसारी, फारूक मंसूरी ऐसे अन्य लोग मौजूद रहे। दरअसल मुमरा और कलवा के लोकल ट्रेन के जो यात्री हैं उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है और सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि कई नॉर्मल लोकल ट्रेन जो है वो एसी ट्रेन कर दी गई है और मुमरा कलवा से गुजरने वाली कई सेमी फास्ट ट्रेन बंद कर दिए गए हैं, इसकी जगह पर एसी ट्रेन चलाई जा रही है। पहले कई फास्ट ट्रेनें मुमरा और कलवा से होकर जाती थी मगर अब बताया जा रहा है कि सिर्फ 9 से 10 सेमी फास्ट ट्रेनें ही चल रही हैं। इसकी वजह से लोकल ट्रेन के यात्री जो मुमरा कलवा के हैं उन्हें परेशानी हो रही है। साथ साथ एक सबसे बड़ा अहम बात यह है कि मेल एक्सप्रेस ट्रेन जो मुमरा मार्केट पारसिक टर्मिनल से होकर चलती थी मगर अब 4 महीने पहले से जब से ये 2 प्लेटफॉर्म मुमरा और कलवा पर बढ़ा दिए गए हैं तब से मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को कलवा और मुमरा रेलवे स्टेशन से होकर चलाया जा रहा है जिसकी वजह से ट्रेन हादसे बढ़ रहे हैं। साथ ही एक्सीलेटर और लिफ्ट का काम भी क्यों नहीं किया जा रहा है, इन सब बातों को विधायक जितेंद्र आव्हाड ने रेलवे के अधिकारियों के सामने रखा और कहा है कि एसी लोकल ट्रेन के बजाय नॉर्मल ट्रेन यात्रियों को मुहैया कराई जाए। मुमरा और कलवा रेलवे स्टेशन से मेल एक्सप्रेस ट्रेनें जो गुजरती हैं उन पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि मुमरा और कलवा रेलवे स्टेशन से मेल एक्सप्रेस गाड़ियों को बंद किया जाए, इन गाड़ियों को पारसिक टनल के रूट से चलाया जाए। ऐसी मांग विधायक जितेंद्र आव्हाड ने रेलवे के अधिकारियों से की है। लोकल ट्रेन की समय सीमा के अनुसार 1-2 दिन में ही चर्चा करके यात्रियों को हो रही परेशानी को दूर करने की बात रेलवे की तरफ से कही गई है। विधायक जितेंद्र आव्हाड ने जो भी मांग की है उस पर रेलवे के अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके जल्द ही हल निकालेंगे। विधायक जितेंद्र आव्हाड ने रेलवे अधिकारियों से मिलने के बाद क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। ऐसा है कि खास करके मुमरा की जो चीजें जो है एस्केलेटर और बिल्डिंग है उसके ऊपर बात हुई है। बिल्डिंगों के बारे में तो मुझे कुछ ज्यादा बोलना ही नहीं, कुछ नहीं होने वाला। और एस्केलेटर के बारे में कहा है उन्होंने कि दिसंबर के आखिरी तक पूरा काम हो जाएगा, यानी वो लोकल ट्रेन के बारे में 1 महीने की उन्होंने हमसे टाइम मांगा है और मुमरा के 3 लोगों को उन्होंने कहा है कि हमारे साथ बैठो, टाइम टेबल क्या करना है, क्या कम हुआ है, क्या ज्यादा हुआ है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हाँ, एसी ट्रेन नहीं मंजूर है किसी को, जबरदस्ती डाल रहे हैं लोगों के ऊपर। एसी ट्रेन की वजह से नॉर्मल ट्रेन रद्द की गई है और नॉर्मल ट्रेन का पॉपुलेशन कहाँ जाएगा ये रेलवे अधिकारियों को मालूम ही नहीं, पता ही नहीं, उसको कुछ बता ही नहीं रहे। जो नहीं चलानी चाहिए, जो नहीं चलानी चाहिए, मेल एक्सप्रेस के लिए सेपरेट रूट पहले से दिए हुए है, ये जबरदस्ती वहां से ट्रेन चला रहे हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। आपको मालूम है पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 10 बजे के बाद एक पर्टिकुलर डेसिबल के ऊपर काम नहीं होना चाहिए। रेलवे ने सब कानून की सब मर्यादा तोड़ दी है, 170 डेसिबल के ऊपर आवाज आ रहा है और रात को 2 बजे 3 बजे, क्या इसके ऊपर कोई कानून नहीं है क्या? कोई पूछने वाला बाप नहीं ना उनको, वो संस्था नहीं क्या है, राजा बैठे बने बैठे हैं, उनको क्या है, उनको मालूम है कुछ नहीं होने वाला है, कौन क्या कर सकता है। अभी आम जनता के दिल में जब गुस्सा उठेगा, खास करके ये एसी ट्रेन सिर्फ कलवा मुमरा को नहीं सता रही है, ये थाना को सता रही है, ये घाटकोपर को सता रही है, बोरीवली को सता रही है, ये विसई विरार को सता रही है, ये मुद्दा इनके ध्यान में नहीं आ रहा है कि अंगार है, ऐसा फैलेगा कि पता भी नहीं चलेगा।